देखिए, अगर हम आज के समय में टेक्नोलॉजी से बचेंगे तो हम फिर विकास की मुख्य धारा से पीछे हट जाएंगे। हमें अपने को पीछे नहीं होने देना है, हमें विकास की मुख्य धारा से अपने आप को वंचित नहीं होने देना है। और जिसका गुरुत्वाधिकार तो हमारे ऊपर है, अगर हम स्वयं ही इससे पीछे हटेंगे तो जिन बच्चों का दायित्व तो हमारे ऊपर है, उन बच्चों के साथ क्या होगा? इसलिए हम टेक्नोलॉजी से जुड़ें, टेक्नोलॉजी उन बच्चों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का एक आधार बन सकता है। आपने देखा होगा, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्या COVID-19 का जो कोरोना वायरस आया है, इसमें हम क्या हर परिवार तक पैसा पहुंचा पाते? टेक्नोलॉजी नहीं होती, क्या ये सुविधा हम गांव-गांव में जो कॉमन सर्विस सेंटर हम लोगों ने बनाए, वहां पे लोगों को पैसे निकालने की सुविधा या पैसा जमा करने की सुविधा दे पाते? अगर हमारे पास सुविधा नहीं होती, टेक्नोलॉजी नहीं होती, हमने COVID-19 के दौरान 2 करोड़ किसानों को एक क्लिक करके पैसा उनके खाते में पहुंचा दिया। 87 लाख हमारे प्रदेश में वृद्धजन, निराश्रित महिलाएं और दिव्यांगजन है, उनके अकाउंट में एक क्लिक करके उनके अकाउंट में पैसा पहुंचा दिया। यानी टेक्नोलॉजी है तो हम ये काम कर पा रहे हैं, और नहीं तो इसके नाम पे क्या होता था? इसके नाम पे पेंशन 300 रुपये उस समय मिलती थी उन गरीबों को, वृद्धजन को, महिलाओं को, अन्य लोगों को। उसका परिणाम क्या होता था कि वह पैसा वहां उनको प्राप्त नहीं होता था, वह जाते थे समाज कल्याण विभाग में या किसी विभाग में जाते थे। अब साल में उनको कुल पैसा 3600 भी नहीं मिलता था, लेकिन उसमें भी लेन देन शुरू हो जाता था। आज टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी से हमने पैसे में भी वृद्धि की और पैसा सीधे उन गरीब के खाते में, वृद्धजन के खाते में, निराश्रित महिलाओं के खाते में, दिव्यांगजनों के खाते में पैसा सीधे पहुंच रहा है। 31,000 से अधिक हम बेसिक शिक्षा परिषद को नवनियुक्त शिक्षक दे रहे हैं, और ये नवनियुक्त शिक्षक शारदीय नवरात्रि के पहले दिन हम उपलब्ध करा दे रहे हैं। मुझे विश्वास है ये सभी नवनियुक्त शिक्षक आज अपने अपने जनपदों में प्रभारी मंत्रियों या हमारे वहां के सभी मान सम्मानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हुए शिक्षा के प्रति अपने कर्तव्यों के ईमानदारी पूर्वक निर्वहन और बेसिक शिक्षा परिषद में आमूलचूल परिवर्तन के शासन की मंशा के अनुरूप अपनी सेवाओं को प्रदेश के, अपनी जो वर्तमान और आने वाली पीढ़ी है, इन्हें प्रदान करने के लिए अपना पूरा योगदान देंगे। मैं एक बार फिर से बेसिक शिक्षा परिषद को प्रदेश के 31,227 नवनियुक्त शिक्षकों के लिए हृदय से बधाई देता हूं। इन सभी 31,227 नवनियुक्त शिक्षकों का बेसिक शिक्षा परिषद में इनके आगमन का अभिनंदन भी करता हूं, और विश्वास करता हूं कि ये लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ जीवन में परिश्रम और मेहनत के इस महत्व को समझ करके बच्चों को भी उसके अनुरूप बनने के लिए प्रेरित करेंगे। आप सबके प्रति मेरी बधाई, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अरे, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।